हाय गाइस, सो गाइस आज की इस वीडियो हम रेलवे स्टेशन की कॉम्पोजिशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्केचिंग के बारे में बात करेंगे। तो स्केचिंग में मैंने गाइस वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज़ किया है, ओवरलैपिंग की है, और गाइस आपके कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो मैं इस वीडियो में दूर करूँगा। तो इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइस आपकी स्क्रीन पर ये स्केचिंग का फोटो है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि आपको ये कहीं पर नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने अपने आप ही कॉम्पोज किया है। सो गाइस इस कॉम्पोजिशन में बेसिकली दो अलग अलग कॉम्पोजिशन है, आप इसे रेनडे सीन में ही बना सकते हो और आप इसे रेलवे स्टेशन कॉम्पोजिशन में बना सकते हो। तो गाइस सबसे पहले मैं स्काई कलर कर रहा हूँ और क्योंकि एक रेनडे वाला सीन है तो स्काई को मैं थोड़ा डल रखूँगा। तो डल स्काई दिखाने के लिए ना आपको फ्रेश ब्लू कलर नहीं लगाना है बल्कि ब्लू के साथ थोड़ा सा पर्पल या फिर मैजेंटा वगैरह आपको मिला के लगाना है। तो गाइस यहाँ पे मैं स्प्रे बॉटल भी यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस ये बहुत एसेंशियल टूल है, आप भी ख़रीद लीजिए क्योंकि वाटर कलर में काफ़ी काम आता है ये। 30-35 रुपये में मिल जाएगा आपको, जहाँ भी मतलब आर्ट की स्टेशन ही होगी ना वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा। तो मैं ट्रेन में कलर कर रहा हूँ, ट्रेन में कोबाल्ट ब्लू का यूज़ करूँगा, हल्का सा पर्शियन ब्लू के साथ। तो गाइस मैंने मिसकंसेप्शन की बात करी थी शुरुआत में, तो गाइस मैंने ज़्यादातर देखा है बहुत से लोगों को रेलवे स्टेशन की कॉम्पोजिशन, वो ये सोचते हैं कि आपको पूरी उसमें ट्रेन बनानी होगी, मतलब पूरा इंजन समेत आपको उसमें ट्रेन दिखानी होगी, जबकि ऐसा नहीं है गाइस। आपको ना जैसे मैंने उस कॉम्पोजिशन में भी बताया था मार्केट सीन वाली में, कि आपको एक माहौल क्रिएट करना होता है। अब जैसे देखो मैंने ट्रेन का पार्ट बना दिया थोड़ा सा पीछे से, ठीक है, और आते जाते लोग हैं जिनके हाथ में सामान है और पीछे मैं तार वगैरह बना दूंगा, तो उससे लगेगा एकदम कि रेलवे स्टेशन है। तो गाइस क्योंकि अगर आप पूरी ट्रेन बनाओगे, पहली बात तो उसकी ज़रूरत नहीं है और इतना टाइम भी नहीं होता क्योंकि आपको और भी बहुत चीज़ें आपको यहाँ पे बनानी है। अब देखो जैसे ये ट्रेन है, ठीक है, मैंने इसका एक क्लोज़अप व्यू बनाया है, बिल्कुल करीब से बनाया है इसे। तो जितना मैं इसे करीब से बनाऊँगा, जितना पास से बनाऊँगा, उतना ये बड़ी बनेगी, और जितनी ये बड़ी होगी उतना ज़्यादा पेपर कवर करेगी, और जितना ज़्यादा पेपर कवर करेगी उससे मुझे फ़ायदा होगा, मुझे और चीज़ें कम बनानी पड़ेंगी। तो मतलब इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। अब जैसे ये मेन फिगर्स हैं फ्रंट वाले, अभी इसमें मैंने कलर नहीं किया इसलिए आपको पता नहीं चल रहा, ये भी मैंने बड़े बनाए हैं इस वजह से। तो जितना आप मतलब मेन चीज़ें होंगी ना, जैसे मेन फिगर्स हैं और ये ट्रेन है, जितनी चीज़ें बड़े बनाओगे आप, और चीज़ें आपको नहीं बनानी पड़ेंगी क्योंकि वो ज़्यादा पेपर कवर करेंगे। आफ्टरऑल हमें करना क्या है गाइस, हमें यही तो चाहिए, हमें पूरा पेपर अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। तो गाइस स्केचिंग वाले पार्ट में मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे कि मैंने यहाँ पे वन पॉइंट पर्सपेक्टिव यूज़ किया। तो गाइस वन पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या है ना, जैसे आपने गांव के इलाके में देखा होगा या फिर रोड पे कभी नोटिस किया होगा, जैसे पेड़ वेड़ होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आगे जाके वो पेड़ आपस में मिल गए, जबकि वो एक्चुअल में मिलते नहीं हैं, ठीक है। आपने रेलवे लाइन पर खड़े होकर देखा होगा कि जैसे दो लाइन्स हैं वो आपस में जाके भिड़ गई हैं, जबकि वो पैरेलल होती हैं। तो गाइस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमें यहाँ पे करना क्या है, जो कैरेक्टर्स के हेड होंगे ना वो एक लाइन में होंगे, जो उनके पैर होंगे बस वो ऊपर नीचे होंगे, ठीक है। तो मैं फिगर पेंट कर रहा हूँ। तो गाइस मैंने ऑलरेडी ह्यूमन फिगर पेंटिंग की वीडियोस 4-5 वीडियोस बना रखी हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। वैसे भी इन वाले फिगर्स में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में काम नहीं कर रहा गाइस, जैसा कि आपने देखा होगा मैं जब फिगर पेंटिंग अलग से बनाता हूँ उसमें ज़्यादा डिटेल में काम करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले भी आपको ना कॉम्पोजिशन में एक चीज़ पे फोकस करके नहीं चलना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आप सारा टाइम उसमें लगा देंगे और आपकी बाकी की चीज़ें छूट जाएंगी। गाइस टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, आपको टाइम मैनेज करके चलना है कॉम्पोजिशन में, खासकर जब एंट्रेंस में आप बैठेंगे, क्योंकि गाइस एंट्रेंस में ना आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड मिलता है 1.5 घंटे का, उसमें आपको स्केचिंग करनी होती है और उसमें आपको कलरिंग करनी होती है। तो गाइस टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपको 1.5 घंटे में 10 या 15 मिनट में ज़्यादा ज़्यादा आपको स्केचिंग कर लेनी है, या ज़्यादा उससे भी ज़्यादा 20 मिनट आप स्केचिंग के लिए ले सकते हैं, ठीक है। बाकी का जो 1 घंटा 10 मिनट बचेगा उसमें आपको कलरिंग और डिटेलिंग करनी है। गाइस एक और ज़रूरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसे आप स्केचिंग करेंगे ना तो उसमें आपको बार बार इरेज़ नहीं करना है। अब ये तो हो नहीं सकता इरेज़ ना करें, क्योंकि इरेज़ करने की ज़रूरत तो पड़ती है, बट आपको बहुत बार बार इरेज़ नहीं करना है क्योंकि उससे क्या होगा ना, आपका जो सरफेस है वो ख़राब हो जाएगा। और दूसरी बात, आप जो इरेज़र यूज़ करेंगे वो थोड़ी फाइन क्वालिटी की होनी चाहिए, ठीक है, अप्सरा डॉम्स वगैरह की। और आपको नीडेड इरेज़र मतलब क्ले इरेज़र यूज़ नहीं करनी है, आपको एक नॉर्मल इरेज़र यूज़ करनी है, ठीक है।
सो गाइस, फिगर पेंटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैं इतनी डिटेल करना तो नहीं चाहता, पर फिर भी मैंने कर दिया है। खैर चलो कोई नहीं। एक सवाल मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं पेपर और कलर्स कौन से यूज़ करता हूँ। तो गाइस मेरा मानना ये है, पेपर और कलर मतलब बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते, करते हैं बट अगर आपको कोई रियलिस्टिक या हाइपर रियलिस्टिक बनाना हो तो ही पेपर की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। बट नॉर्मली कॉम्पोजिशन के लिए आप नॉर्मल पेपर यूज़ कर सकते हो। जो मैं कर रहा हूँ ये 140 GSM की कार्टेज शीट है। तो गैस मेरा मानना है जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो ब्रश आपको अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है। मतलब अच्छी क्वालिटी में तो खैर बहुत बहुत महंगे भी आते हैं, 2-3 हज़ार रुपये के ब्रश आते हैं एस्कॉडा या रफेल के। बट मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये बहुत नॉर्मल ब्रश है, सिंथेटिक ब्रश, और ये 60-70 रुपये का ब्रश है, ठीक है। तो आपको ब्रश अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है। और आपको कैसे पता लगेगा कि जो आप ब्रश यूज़ कर रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का है? गैस आपको ब्रश को ना पानी में भिगोना है, ठीक है, और फिर निकाल के जब आप देखेंगे तो उसकी टिप शार्प बनेगी अगर वो अच्छा ब्रश है, और अगर टिप शार्प उसकी नहीं बनती है तो वो समझो बेकार ब्रश है। तो गैस अगर शायद आपने ध्यान से सुना होगा शुरुआत में तो मैंने एक वर्ड बोला था, ओवरलैपिंग। तो गैस ओवरलैपिंग बहुत ज़रूरी होती है जब आपको जैसे कि भीड़ भाड़ का इलाका दिखाना हो, जैसे मेट्रो स्टेशन, ये बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन खासकर, ठीक है। तो ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? तो गैस जैसे आप कहीं रेलवे स्टेशन पर खड़े हो या मेट्रो स्टेशन पर खड़े हो तो आप देखोगे जब सामने से भीड़ भाड़ चल के आती है, लोग बाग चल के आते हैं, तो जो सबसे सामने आगे वाले लोग होते हैं तो आपको पूरे दिखते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके आगे कुछ नहीं होता। बाकी जो उनसे पीछे होते हैं तो उनका किसी का शोल्डर दिखता है, खाली किसी का फेस दिखता है, तो उस चीज़ को ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो ओवरलैपिंग से ना भीड़ भाड़ का पता लगता है। तो गैस वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, उससे थोड़ी मैच्योरिटी आती है काम में। तो गैस अब मैं रिफ्लेक्शन बना रहा हूँ, तो रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा निडर होकर काम करना पड़ेगा, ठीक है, डर के काम नहीं करना है। अब आप देखो जैसे मैंने रिफ्लेक्शन में सबसे पहले पानी लगाया जहाँ जहाँ मुझे रिफ्लेक्शन दिखाना है, अब पानी के बाद मैं उसमें कलर लगाऊंगा। तो गैस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको जिस चीज़ का भी रिफ्लेक्शन दिखाना है उसके नीचे आपको वही कलर लगाना है। अब जैसे ट्रेन के नीचे आप देख रहे हो मैंने ब्लू कलर लगाया है, और जो रेड साड़ी वाली आंटी है उनके नीचे मैंने रेड कलर लगाया है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको जिस चीज़ का भी रिफ्लेक्शन बनाना है आपको उसका ही कलर सेम उसके नीचे आपको दिखाना है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, रिफ्लेक्शन जब बनाएंगे आप तो पानी सूखने से पहले ही आपको उसमें कलर लगा देना है, क्योंकि अगर आप पानी सूखने के बाद कलर लगाएंगे तो मतलब इतना अच्छा सा रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। तो गाइस अब जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक डिटेलिंग ब्रश लेके जो ट्रेन के पीछे तार खंभे वगैरह वो बना रहा हूँ उसे, और मैं ब्रश को बिल्कुल ऐसे यूज़ कर रहा हूँ जैसे कि पेन या पेंसिल से लाइन खींचते हैं। तो गाइस इसके लिए आप अलग से प्रैक्टिस करिएगा, आप बिल्कुल मतलब ब्रश में कलर लीजिए और उसे बिल्कुल पेन की तरह उसे और पेंसिल की तरह उसे चला के देखिए पेपर पे, ठीक है। सो गाइस कॉम्पोजिशन हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो अगर आप इसे करीब से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह की दिखेगी। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और नेक्स्ट कॉम्पोजिशन आप कौन सी चाहते हैं वो भी मुझे बता देना, मैं बना दूंगा। तो गाइस फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।